गाड़ियां और प्राइवेट जेट, हथियारों का शौकीन है दबंग सांसद। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस दबंग सांसद की जिसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, इन दिनों जनता की जुबान पर छाया हुआ है। इसकी वजह है कि पहलवानों द्वारा जंतर मंतर पर देश की नामी ग्रामी पहलवान धरने पर बैठे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जनवरी में भी पहलवान धरने पर बैठे थे। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के शोषण का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर कोई कार्रवाई ना होता देख इन पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण के इतिहास की बात करें तो कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी में भी अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। ब्रजभूषण शरण की गिनती दबंग नेताओं में होती है। छात्र जीवन से ही राजनीति के तौर पर बेहद सक्रिय रहे हैं। ब्रजभूषण शरण अयोध्या के पहलवानों के तौर पर बेहद शक्तिशाली रहा है। कॉलेज के दौर में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए, यहां से ही राजनीति की शुरुआत हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। बीजेपी में जुड़ने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि हिंदुत्ववादी नेता और विवादों से काफी गहरा नाता रहा है। वहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। इन पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को अपने मनमाने तरीके से चलाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट समेत कई लड़कियों पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने सफाई देते हुए कहा है, अगर ये आरोप सच साबित होता है तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आने के बाद खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को जवाब देने को कहा है। पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए कमेटी जांच कर रही है, लेकिन कमेटी ने क्या जांच की है और क्या निष्कर्ष निकला है अभी ये सामने नहीं आया है, और ना ही वक्त मिल रहा है और ना ही जवाब।